नमस्कार, जय माता की, जय माँ दुर्गा, जय माँ काली, ओम नमः शिवाय, जय श्री हरि, जय नागे बाबा जी। आज रामनवमी भी है और माँ दुर्गा का नवरात्र का नौवां दिन, लास्ट वाला दिन है। आपको रामनवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान राम जी आपकी सभी मनोकामनाएं पूरा करें, आपको सुख समृद्धि प्रदान करें। और आज जो माँ का नाम है नवमा सिद्धिदात्री, यानी सभी सिद्धियों को देने वाली माँ सिद्धिदात्री रूप, आपकी सभी जो अंदर इच्छाएं हैं जिनको आप प्रे के रूप में माँ शक्ति के सामने प्रस्तुत करते हो, उस प्रार्थना को, उन सिद्धियों को आपके अंदर एक्टिवेट करें, आपके सारे काम करें, आपकी जो मनोरथ है वो सिद्ध हों। ये हमारी माँ सिद्धिदात्री से प्रार्थना है और हमेशा रहती है, आज नहीं, हमेशा रहती है। तो आज वीडियो थोड़ा लेट बनी है क्योंकि मैं थोड़ा जो पूजा पाठ 8 दिन अष्टमी के बाद चलता है उसका काम कंप्लीट किया तो थोड़ा टाइम लग गया उसके लिए। जय माता दी। और माँ सिद्धिदात्री, देखिए सिद्धिदात्री का रूप क्या है, सिंह की सवारी है, 8 भुजाएं हैं, चक्र, गदा, पुष्प, तलवार, पास, जो जो माँ दुर्गा के हाथ में होता है सेम ही सिद्धिदात्री माँ के हाथ में होता है। सभी सिद्धियों को देने वाली माँ दुर्गा का रूप है। माँ लक्ष्मी का रूप भी है, एक प्रकार से प्रोस्पेरिटी बहुत प्रदान करती है, सुख समृद्धि प्रदान करती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव ने जिस आदि शक्ति की आराधना की थी उनका नाम सिद्धिदात्री है। जब भगवान शिव ने माँ आदि शक्ति की आराधना की, माँ सिद्धिदात्री की आराधना की, मंत्रा जाप किया, तो माँ आदि शक्ति ने भगवान शिव को ब्लेसिंग दी, एनर्जी दी। उस एनर्जी के कारण भगवान शिव ने जो दो एक अर्ध नारेश्वर का रूप किया था, यानी आधी नारी और आधा इंसान आदमी, मतलब आधा 50% मेल 50% फीमेल, जिसको अर्ध नारीश्वर बोलते हैं, जिसके रूप की पूजा करने से सभी कुछ प्राप्त हो जाता है भगवान शिव की। तो जब माँ सिद्धिदात्री की आराधना की भगवान शिव ने, तो माँ उसी कारण ही भगवान शिव का जो शरीर था आधा स्त्री का हो गया था और आधा पुरुष का। तो उस टाइम पे भगवान शिव का नाम अर्ध नारीश्वर पड़ गया था। सभी जानते हैं, आपने तस्वीर भी देखी होंगी, आधी माँ आदि शक्ति है, आधा भगवान शिव। तो सिंपल सी पूजा होती है, आज लास्ट डे है, आप कर सकते हो। इसका छोटा सा मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। एक तो ये, एक लक्ष्मी की जगह पे आप माँ सिद्धिदात्री का नाम भी ले सकते हो, या देवी सर्वभूतेषु सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु माँ सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु माँ सिद्धिदात्री रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इनसे ये मंत्र जो है पॉजिटिव है, कोई भी कर सकता है, किसी का नेगेटिव नहीं होगा, क्योंकि मंत्रा नेगेटिव मतलब एक फ्रीक्वेंसी के साथ किए जाते हैं। कई मंत्रों का एक रूल होता है, अगर आप बिना रूल के करते हो नेगेटिव इवेंट इफेक्ट डालना शुरू कर देते हैं। लेकिन जो माँ दुर्गा के जो मंत्र बताए हैं आपको, 9 के 9 दिन सारे पॉजिटिव हैं, इनका कोई नेगेटिव इफेक्ट है ही नहीं। कोई भी इनकी मंत्र चैंट कर सकता है, हाथ पे कर सकता है, उंगलियों पे ऐसे करके माला पे कर सकता है, सवेरे कर सकता है, शाम को कर सकता है, पॉजिटिव इफेक्ट मिलेगा। या फिर आप सीधा ओम माँ सिद्धिदात्री नमो नमः, ओम माँ सिद्धिदात्री नमो नमः, ओम माँ सिद्धिदात्री नमो नमः, इस तरीके से भी आप माँ सिद्धिदात्री रूप की पूजा कर सकते हैं। इसमें देसी घी की जोत जलती है, बिना जोत के भी माता प्रसन्न हो जाती है। कोई लौंग, सुपारी, पान का पत्ता,
और जो आप फ्रूट चढ़ाना चाहते हैं वो चढ़ाइए, शहद चढ़ाना चाहते हैं शहद चढ़ाइए। माता की प्रत्येक पूजा में लौंग, इलायची और सुपारी तो होती होती है, पान का पत्ता भी होता है मोस्टली। सारे पॉजिटिव साइन होते हैं, पॉजिटिव चीजें माँ दुर्गा की पूजा में माँ के सभी रूपों में होती है। तो आप प्यार के साथ, एक ट्रस्ट के साथ, एक बिलीफ के साथ इस रूप की पूजा कीजिए। जो आपकी सिद्धियां हैं, जो किसी चीज को सिद्ध नहीं कर पा रहे हैं, तो आपकी वो सिद्धि जो ब्लॉकेज आई है सिद्धिकरण में, वो ब्लॉकेज माँ सिद्धिदात्री रूप आपकी रिमूव कर देंगे और आपकी जो सिद्धि आपको प्राप्त हो जाएगी, आपके चक्र ओपन हो जाएंगे, आपका मेडिटेशन पावर भी बढ़ जाएगा। तो आप सभी को रामनवमी की बधाई और माँ दुर्गा की ब्लेसिंग मिले, माँ दुर्गा के सभी रूपों की ब्लेसिंग मिले, यही हमारी माँ शक्ति से प्रार्थना है। आप सदा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए अपने परिवार के साथ, आपके जो भी ब्लॉकेज है जिंदगी के सारे खत्म हो जाएं, आगे बढ़ो, जो आपकी पारिवारिक ब्लॉकेज है वो भी खत्म हो जाएं, और जो केसेस चले हुए हैं या कुछ भी चला हुआ है किसी प्रकार के लीगल हो चाहे कोई भी हो, वो सारे खत्म हो जाएं और आपकी जिंदगी सुचारू रूप से चल पड़े, यही माँ आदिशक्ति से, माँ काली से, माँ दुर्गा से, सिद्धिदात्री सभी रूपों से प्रार्थना है। इसी के साथ नमस्कार, जय माता की, जय माँ दुर्गा, जय माँ आदिशक्ति, जय माँ काली, ओम नमः शिवाय, जय श्री हरि, जय नांगे बाबा जी, जय यूनिवर्स सर्वशक्ति नमो नमः, नमस्कार, जय माता दी।